नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की जो स्थिति है उसके बारे में अंदाजा लगाना भी सभी के समझ से परे है, क्योंकि वहां के अफगानिस्तानों के बीच तालिबानों के खौफ साफ साफ नजर आ रहे हैं। और एयरपोर्ट की जो तस्वीर सामने आई थी जिसपे जितने भी लोग हैं, जितने भी अफगानिस्तानी लोग हैं, वो तालिबान से डर कर एयरपोर्ट पे मौजूद यूएई के एयरफोर्स की जो प्लेन है उस पर लटक लटक कर भागने को तैयार है। इसी बीच कई लोग जो है वो नीचे भी गिर गए और 14 लोगों की मौत भी हो गई। और जिस तरीके की वहाँ की स्थिति सामने आ रही है और तस्वीर सामने आ रही है, इस तरीके से ये साफ जाहिर होता है कि तालिबानों की जो खौफ है वो वहाँ के लोगों पर कितना देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर तालिबानों के आने के बाद अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच देश से भी हर कोई अपनी अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, क्योंकि कई भारतीय लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और किसी भी तरीके से वहाँ से उन्हें सुरक्षित वापस निकाला जाए, इस पर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे से भी जब मीडिया से पूछा गया कि तालिबान की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे भारतीय लोग जो है वो भी फंसे हुए हैं, तो सुनिए अश्विन चौबे ने क्या कुछ कहा। अफगानिस्तान को लेकर सर, एयरलिफ्ट को लेकर क्या कुछ तैयारी है सर? भारतीय वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं सर। हम लोगों ने, सरकार ने पूरी योजना बना करके, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगहों पर, और जो भी विदेशी मूल हमारे भारतीय या जो विदेशों में इस प्रकार के लोग फंसे हुए हैं, खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, ऐसे सब लोगों को वहाँ से लाने की सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे बता रहे हैं कि हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहकर हमारे जितने भी भारतीय बाहर फंसे हैं, खास करके जो लोग हिंदू हैं वो बाहर फंसे हैं, उनको हम सुरक्षित से वापस लेकर आएंगे, और इसको लेकर हमने पूरी व्यवस्था कर ली है और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।